आज ही के दिन स्वर्गीय कार्यानंद शर्मा जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। ये दिन और भी ऐतिहासिक है, आज ही के दिन तीनों किसान कानून वापस हुए। पुनः सलाम साहूर की धरती को। कभी कभी सोचता हूं कि अगर 6 महीने पहले अनावरण हो गया होता तो शायद 6 महीने पहले ये कानून वापस हो गया होते। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक चीज मैं पुनः कहना चाहूंगा। हमारे अपनी सोच में, मैं सच कहूं, दीदी ने जो कहा या संजय भाई ने भी रखा, मैं यहां एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे के रूप में नहीं हूं। मैं एक शिक्षक के रूप में हूं, एक छात्र के रूप में हूं, और एक ऐसा व्यक्ति जो कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनके बारे में उसने ग्रेजुएशन में पढ़ना शुरू किया, और शायद एक वो वजह थी कि वो मुझे कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ ले गए। और मैं अभी भी मानता हूं कि कम्युनिस्ट आंदोलन में शरीक होना, उन मूल्यों में शरीक होने के लिए जरूरी नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही सदस्य बना जाए। मैंने सदन में एक दिन कहा था कि दिल से बात होनी चाहिए, और जो दिल से बात करेगा वो लेफ्टिस्ट होगा, क्योंकि दिल बाएं में। तो वो राजनीति का तौर तरीका होना चाहिए। पहले रामजी बाबू को सुन रहा था, संजय भाई ने जो बातें रखी, मैं इत्तफाक रखता हूं, मैं उसके साथ जुड़ा हूं। कोई भी दल हो, कोई भी विचारधारा हो, वोट कहीं पर भी आप जाकर के ईवीएम पर डालते हो, एक बार जरूर सोचिएगा कि अगर कार्यानंद शर्मा होते हैं तो क्या कहते हैं। आज बटन सही जगह दबा या गलत जगह दबा, बटन मुद्दों पे दबा या बटन भावनाओं पे दबा, ये महत्वपूर्ण है। कार्यानंद शर्मा जी हमसे आपसे कम धार्मिक नहीं रहे होंगे, कम्युनिस्ट थे, लेकिन धर्म और जाति उनकी सोच का, नजरिया उनके तरीके का को कभी प्रभावित नहीं कर सके। एक हास्य के लिए छोटी बात बताता हूं। मैं ग्रेजुएशन में था, तभी मैंने कार्यानंद शर्मा जी के बारे में पढ़ा था पटना विश्वविद्यालय में, तो मेरे हाथ में पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस की किताब थी, और उस दौर में मुझको आर्थराइटिस हो गया था, मेरे हाथ वाथ यूं मुड़ गए थे, पांव मुड़ गया था। तो मेरे माता पिता बहुत चिंतित थे, मुझे पटना से सहरसा ले गए, होम टाउन, फिर सहरसा से पटना मैं कई दिनों बाद आया, कमी नहीं हो रही थी। एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे पटना में, पता नहीं संजय जी वो जीवित हैं, एस एन आर्या जी के क्लिनिक में मैं गया, तो मेरे हाथ में वही किताब थी। तो उन्होंने, फिजिशियन थे, और उन्होंने देखा, बोला तुम्हारी बीमारी का जड़ ये किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ना बंद कर दो, ये कम्युनिस्ट लिटरेचर ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, उसी वजह से पांव हाथ मोड़ रहे हैं तुम्हारे। बहरहाल मैंने किताबें बंद नहीं की पढ़ना, आर्थराइटिस भी ठीक हो गया। तो उससे लड़ने का मैं शरीक था, मैंने किताबों में उनको पढ़ा था, और किताबों में उनको पढ़ने के बाद समाज हमारा थोड़ा बदल गया। शर्मा जी किसके लिए लड़ रहे थे? किसी शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे थे। कार्यानंद शर्मा एक बेहतर हिंदुस्तान जिसमें समता के बीच हो, उसके लिए लड़ रहे थे। हमने लड़ाई के तौर तरीके बदल दिए हैं। अब हमारी लड़ाई बहुत उल्टे पांव की यात्रा में तब्दील हो गई है। कहां चानन के दौर के खिलाफ टाल का कार्यानंद शर्मा, और कहां आज का राजनीतिक नेतृत्व। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, शायद हम में से कई लोग एक ही जनरेशन के हैं, लेकिन वहां हमारा अगला जनरेशन बैठा हुआ, अगली पीढ़ी बैठी हुई है। कार्यानंद जी सिर्फ मूर्ति से नहीं जाने जाएंगे, मूर्ति लगाया बहुत अच्छी बात है, ये ड्यू था। 56 वर्ष हो गए, 5 दशक 6 वर्ष उनकी मृत्यु के, लेकिन जो नई पीढ़ी है इस मिट्टी की, और सिर्फ मैं जब कह रहा हूं साहूर की मिट्टी की नहीं, हमारी अपनी मिट्टी, कह लीजिए बिहार, कह लीजिए हिंदुस्तान, उस मिट्टी में कार्यानंद शर्मा पैदा होना बंद हो गए हैं। आखिर क्या हो गया कि हमारी मिट्टी बांझ होती जा रही है? बांझ